हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रेडिक्शन गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 90-20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 6 अप्रैल को। इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी ईडन गार्डन कोलकाता इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला, तो वहीं पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही। वहीं दूसरी टीम अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो जहाँ 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो 2 मैच हार के आ रही है। टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आरसीबी 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स 5 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग इक्वली दोनों का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा देर ना करते हुए दो टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का 30% देखने को मिल रहा है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 50% देखने को मिल रहा है। अब स्कोर की बात करें तो जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का 163 है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का 157 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 210 है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का 207 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 101 है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 68 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग इक्वली कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की। आज के मैच वेदर कैसे रहेगी, तो 31.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है, यानी कि मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60% रहेंगे, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। आज का मैच स्पिच पे कैसा होने वाला है, तो स्पिच का फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 161 रन में भी लग सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रन यहाँ पर कम सकता है। अगर स्पिच पे देखें तो अभी तक टोटल 81 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर स्पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है, तो उस टीम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि इस डिफेंड में काफ़ी कम स्कोर लग सकते हैं। और चेस करने वाली टीम की बात करें तो इस टीम पिच पे चेस भी कर सकती है। तो वो डिपेंड करता है दोनों टीम के ऊपर। जो टीम अगर स्ट्रांग रहेगी वो मैच भी जीत सकती है। तो मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है, इस पिच पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आईपीएल का यह फर्स्ट मैच इस पिच पे खेला जाएगा। अब आगे बात करते हैं, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, पूरी तैयारी करके आ रही है। पिछली बार से इस बार काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बॉलिंग और बैटिंग देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर वहीं दूसरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीम काफ़ी तैयारी करके आ रही है, दोनों के बीच में मैच की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के की प्लेयर की बात करें तो नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, टीम सऊदी। वहीं दूसरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के की प्लेयर की बात करें तो विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, आकाशदीप, ग्लेन मैक्सवेल। तो ये हैं दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने हर एक चीज़ पे बात कर ली, हर एक चीज़ डिस्कस कर ली। अब लास्टली चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए रॉयल चैलेंजर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सकते हैं, जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।